तो HTML के कुछ सवाल हम ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द टैग्स दैट नीड बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स आर कॉल्ड, क्या ये एम्प्टी टैग होते हैं या कोई और टैग होते हैं? तो इसको हम कहते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग एम्प्टी टैग वो होते हैं जिसमें स्टार्ट तो चाहिए, एंड की जरूरत नहीं है, तो हम कंटेनर टैग कहेंगे इसे। और ऐसे टैग डैश टैग इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। कौन से है इसमें, क्या कोई साइज चेंज करता है, कोई चीजें चेंज करता है, लेकिन बात यह है कि फॉन्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसका उत्तर होगा डी, फॉन्ट। अगला है द हेक्साडेसिमल आरजीबी वैल्यू ऑफ द ब्लैक कलर। ब्लैक देखिए एक होता है ब्लैक, एक होता है व्हाइट, हेक्साडेसिमल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उत्तर इसका है ये ब्लैक, और जो हाईएस्ट होगा वो आपका 5 हो, ये FFF, जो FFF होता है हेक्साडेसिमल, F का मतलब होता है 15, F का मतलब होता है 15, 0 होता है ब्लैक, ये होगा 15, इससे ऊपर नहीं होगा। जो लैंग्वेज है एस्टिमेट डॉक्यूमेंट की इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डैश एट्रीब्यूट ऑफ द एस्टिमेट टैग। लैंग्वेज कैसे डिफाइन करते हैं आप, लैंग से ही तो करेंगे, इसका उत्तर है लैंग। डैश एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज। आपका एक वेब पेज है, उसमें आपको बैकग्राउंड में पूरी एक इमेज डालनी है, तो कैसे करेंगे उसमें, या इमेज करेंगे या बैकग्राउंड करेंगे, उसके लिए आप बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड। डैश टैग इज यूज टू सेंट्रलाइज दिस टेक्स्ट विद इन द सेगमेंट। अब अगर आपको सेंटर करना है तो आप सेंटर करेंगे या H1 करेंगे, H1 से तो H1 हेडिंग है, टेक्स्ट से टेक्स्ट आएगा, तो उत्तर क्या होगा इसका, सेंटर। द आउटपुट ऑफ दी थ्री सुप आरईडी सुप होता है सुपरस्क्रिप्ट, तो 3 की पावर चढ़ेगी आरडी की, ये ऊपर आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, ए। ये सुप एक होता है सबस्क्रिप्ट के लिए, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, अगर पावर देनी है या इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है तो आपको SUP लिखना पड़ेगा। ये अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द आरजीबी कलर स्कीम फॉर द कलर रेड। देखिए ये पहला होता है आर, दूसरा होता है जी, तीसरा होता है बी। अगर आपने आर को पूरा किया हुआ है, बाकी दोनों 00 किए हैं, तो आपका रेड ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा आरजीबी, ये पूरा का पूरा ब्लू होगा, यहां पर आरजीबी, तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, बाकी दोनों 0 किए हैं, तो ये ग्रीन होगा। अगला है विच इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML। तो HTML का वर्जन क्या होगा, HTML 1.0 से शुरुआत हुई थी, आज हम HTML 5 पे हैं। विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट टाइटल इन एन HTML डॉक्यूमेंट, तो उसको टाइटल के लिए टाइटल टैग यूज करते हैं, ए। विच टाइप्स ऑफ टैग्स आर यूज्ड इन HTML, कौन से टाइप टैग्स के हम यूज करते हैं, कौन से टैग होते हैं इसमें, क्या उत्तर होगा इसका, इसका उत्तर है प्री डिफाइंड टैग। जो टैग HTML प्री डिफाइन देती है वो यूज करते हैं, हम अपने टैग नहीं यूज कर सकते इसमें। इसी तरीके से आप जब XML पे जाएंगे तो देखेंगे हम वहां पर अपने टैग यूज करेंगे। द फेस एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग इज यूज फॉर, फेस से क्या होता है, क्या चीज चेंज होगी, जरा पढ़िए इसको, बताइए मुझे क्या उत्तर है, फेस एट्रीब्यूट सोचिए और आंसर लिखिए। इसका उत्तर है ये फॉन्ट टाइप चेंज करता है टेक्स्ट का, अलग अलग कोरियर रोमन इस तरीके से। विच टैग इज यूज फॉर लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, हम VR यूज करते हैं, ठीक। ये सब अलग अलग हम देखेंगे कि पैराग्राफ के लिए होता है, ये हॉरिजॉन्टल रो के लिए होता है, इस तरीके से हम अलग अलग करेंगे, तो बी इसका उत्तर है VR। Which attribute is used with the body tag to apply the background color to an HTML page? Body के साथ और क्या use होता है? जिसमें BG color अगर हम use करेंगे तो क्या background color change होगा? तो उत्तर यही है, BG color। Which HTML tag is used to underline the text? अब underline के लिए U ही use होना चाहिए। ये bold बनाता है, ये italic बनाता है, ये caps बनाएगा, तो ये U क्या होगा? Underline बने, ये आपका underline कर देगा। HTML tags are placed between, HTML tags किसके बीच में रखे जाते हैं? देखिए आप सामने ही आपके उत्तर है, ये क्या है, एंगल ब्रैकेट कहेंगे इसको, बी इसका उत्तर लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट है। HTML टैग्स कैन बी रिटन इन, किसमें लिख सकते हैं, क्या सी उत्तर है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसका उत्तर ये है कि आप कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए एक बराबर है, XML में जाएंगे तो कैपिटल स्मॉल दोनों अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विच वैल्यू इज यूज फॉर वाइट, अब ये हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे होंगे तो व्हाइट, सारे के सारे हमने कहा ब्लैक, तो व्हाइट क्या होगा, ये होगा, तो सी होगा इसका उत्तर। विच इज नॉट अ लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल, कौन सा इसमें लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल नहीं है, तो इसमें जो सी है ये इटैलिक करता है टेक्स्ट स्टाइल, लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल नहीं है।
एम्प्टी टैग्स रिक्वायर व्हाट, एम्प्टी टैग का मतलब उसको क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए, तो केवल ओपनिंग टैग चाहिए, तो उत्तर क्या होगा ए। विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल, कौन सा ऐसा टैग है जो यूज होता है कि हम इंसर्ट कर सके एक हॉरिजॉन्टल रूल को, तो हॉरिजॉन्टल रूल क्या करेंगे, देखिए एचआर भी बता रहा है हॉरिजॉन्टल रूल, इसका नाम भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, तो ए है उसका उत्तर। विच वन इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एचटीएमएल टैग, कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा दिख रहा है आपको करेक्ट है, ये पी है, ये बी है, ये पैरा है, तो इसका उत्तर है ये पी, पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ आप कर रहे हैं और पैराग्राफ से बंद कर रहे हैं, वैसे ये जो बी है ये इसको बोल्ड बनाएगा तो ये भी सही है, अगर आप इसको देखें तो वैसे तो आप सी उत्तर लिखेगा लेकिन ये दोनों ही सही है, पैरा कुछ नहीं होता, नव दिस तो है ही नहीं, तो इसका उत्तर हम सी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एचटीएमएल को भली भांति जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि ये बोल्ड करेगा इसको। द बेस फॉन्ट टैग इज सपोर्टेड बाय, बेस फॉन्ट कौन सपोर्ट करता है, अब सारे ही करने चाहिए, इसका उत्तर तो ए होना चाहिए, लेकिन चक्कर ये है कि बेस फॉन्ट केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है, ना मोजिला करता है ना ओपेरा करता है, ध्यान रखिएगा इसको। द हेडिंग्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डैश एंड डैश, जो हेडिंग है जैसे H1 देते हैं आप, H2, H5 तक जाते हैं आप, तो जो हेडिंग है किस तरीके से आप अलग अलग होती है, फॉन्ट टाइप है या फॉन्ट साइज है, क्या है फॉन्ट साइज अलाइनमेंट है क्या है, तो इसका उत्तर है ए, टाइप फेस और स्पेस, कि इस एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना अंतर होगा और फेस टाइप फेस क्या होगा। When you want to provide a breaks in the text or want to the text to appear as a new separate line, you need to use what tag? BR से break होता है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन होगी, अगर हमने यहाँ BR लगा दिया या इसके पहले BR लगा दिया तो the next line यहाँ आएगी, तो उसका उत्तर है A. A, an dash is a code that is put into the HTML code of a web page to hide the text in a web page. किसी चीज को छुपाना है तो क्या करेंगे, कोई भी चीज अगर कमेंट करेंगे तो वो छुपेगी क्या, हाँ कमेंट का मतलब यही होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या HTML में, क्योंकि HTML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरीके की लैंग्वेज ही तो है, तो उसमें अगर कोई चीज छुपानी है तो उसको कमेंट के अंदर दे दीजिए, कमेंट केवल डेवलपर के लिए होता है, आपके लिए होता है, किसी और को देंगे अपना कोड तो उसको समझने के लिए होता है, तो कमेंट होता है जो चीजों को छुपाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ऑप्शन, ऑर्डर्ड, डेकोरेटेड, कौन सा आएगा इसमें, अनऑर्डर्ड, ये आपका आपको एक बुलेटेड लिस्ट बताएगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड का मतलब, ऑर्डर्ड का मतलब होता है 1 2 3 ऐसा आएगा या एबीसी ऐसा आएगा, अनऑर्डर्ड का मतलब है हमारे पास ये ऑर्डर नहीं है, तो बुलेटेड आएगा क्योंकि बुलेटेड बुलेट डिफॉल्ट है। तो ये बहुत शॉर्ट में हमने कुछ क्वेश्चन देखे मल्टीपल चॉइस आपके एचटीएमएल के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।